नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत और हमारे साथ हैं डॉक्टर रजत, जो कि इंडिया के वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्लास्टिक सर्जन हैं। और आज हम इनसे ऐसे सवाल पूछेंगे जो आपके मन में आते होंगे गायनेकोमास्टिया के बारे में, कि एक बहुत कॉमन सी चीज़ है और एक एज के बाद हर बच्चे को थोड़ा बहुत गायनेकोमास्टिया का इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर उसका वेट ज़्यादा है तो हार्मोनल इफेक्ट, अगर उसका वेट ज़्यादा है तो बच्चों में रहता है। क्या ये बच्चों के लिए भी अप्लाई करता है कि बच्चों में भी सर्जरी हो? नो, मैं आ रहा हूँ उस पर। देखिए, गायनेकोमास्टिया मीन्स अ ब्रेस्ट टिश्यू फॉर्मेशन, वो हर किसी में नहीं बनता। ये देखा गया है कि 6 से 7 आदमियों में से एक को गायनेकोमास्टिया है। जो मोटापा है वो एक अलग चीज़ है कि भाई मोटा हुआ तो सब जगह से मोटा हो गया, लेकिन गायनेकोमास्टिया की अगर बात करें, नॉट सूडो गायनेकोमास्टिया, गायनेकोमास्टिया तो 1 out of 6 to 7 मेल्स विल हैव इट। वो यूजली होता है एडोलेसेंट हाइपरट्रॉफी ऑफ ब्रेस्ट। आपने देखा होगा 13, 14, 15 साल की उम्र में आप लड़कों से बात करते हैं, उनके आवाज़ भी थोड़ी लड़कियों ऐसी होती है, हार्मोन चेंजेस हो रहे होते हैं उनमें। आप फोन करते बोलते हो कि यार कौन बोल रहा है ना, तो वो आपको लड़का नहीं लगता। तो ऐसा होता है, हर मेल्स के साथ होता है। उस समय किसी किसी में ब्रेस्ट टिश्यू बन जाता है, वो पूरा फीमेल ब्रेस्ट की तरह बहुत कम पेशेंट में बनता है, बिकॉज हार्मोन इंबैलेंस कुछ ही महीनों के लिए होते हैं और उसके बाद उनकी दाढ़ी मूछें, चेस्ट हेयर, सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स बेसिकली आ जाते हैं। सो अगर सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स आ गए हैं, सो उसका मतलब है कि गायनेकोमास्टिया अब नहीं बढ़ेगा साइज में, जो बनना था टिश्यू बन चुका। अब क्योंकि वो टिश्यू है, उसके लिए कोई मेडिसिन ड्रग एक्सरसाइज नहीं होता, उसके लिए सर्जरी होता है। नहीं, बट ये भी सच है कि कुछ केसेस में वो खुद छोटा हो जाता है। हाँ, अब क्या होता है, आपने क्या बोला, छोटा हो जाता है, ठीक नहीं होता नहीं, वो तो क्योंकि फैट भी है, ग्लैंडुलर फैट है। आपने एक्सरसाइज किया तो आपका फैट कॉम्पोनेंट कम हो गया, जो ग्लैंडुलर कॉम्पोनेंट है वो बचा। अब आ जाती है कि बच्चों में कर सकते हैं एक्सरसाइज, तो आप ग्लैंड को निकाल देते हो ना, कि फैट ही निकालते हो सिर्फ, जब हम सर्जरी करते हैं तो ग्लैंड निकालते हैं। हाँ, तो अगर किसी ने एक्सरसाइज करी, वर्जिश करी, वेट कम किया, तो फैट कंपोनेंट तो कम हो गया, हाँ, लेकिन ग्लैंड तो रहा। वो ग्लैंड तो सिर्फ सर्जरी से निकल सकता है, वो ग्लैंड पूरी तरह से किसी भी तरह से सिर्फ एक्सरसाइज और डाइट से कम नहीं जा ही नहीं सकता। नहीं, बट सर ग्लैंड छोटा तो होता है, एट्रोफी तो होती है उसकी। ग्लैंड में आप अगर उसको ग्लैंड को निकाल के देखें, वो ग्लैंड ऑलवेज इज मिक्स विद फैट, तो फैटी कंपोनेंट कम होता है। ओके, ब्रेस्ट टिश्यू कम नहीं होता, जो टिश्यू बन गया थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन वो खत्म नहीं हो सकता। सो जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे लोगों के टीनेजर्स को, बिकॉज उनके कई बार टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई होते हैं, सो अगर उस समय उनके फैट सेल्स ज़्यादा हैं, सो बिकॉज फैट टिश्यूज हैव द एबिलिटी टू कन्वर्ट टेस्टोस्टेरोन टू ईस्ट्रोजन, सो एरोमेटेज एंजाइम के थ्रू टेस्टोस्टेरोन ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है। ईस्ट्रोजन हैज़ अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन योर ब्रेस्ट टिश्यू। जितना ज़्यादा ईस्ट्रोजन आपके अंदर होगा, आपका ब्रेस्ट टिश्यू ग्रो करने का चांस होगा। उसमें कुछ जेनेटिक कंपोनेंट है कि आपके अगर वहाँ ज़्यादा रिसेप्टर्स हैं, ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो आपका ब्रेस्ट टिश्यू जल्दी ग्रो करेगा। सो अगर उसके बाद आपका टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप हो जाता है आफ्टर दैट, तो ईस्ट्रोजन लेवल भी आपका ड्रॉप हो जाता है। अगर आपने फैट भी कम कर लिया, तो फैट सेल्स भी कम है, एरोमेटेज भी कम है, टेस्टोस्टेरोन भी आपका लो हो गया, ईस्ट्रोजन भी लो हो गया। विद दिस लो ईस्ट्रोजन लेवल फॉर ईयर्स, will that breast tissue get atrophied or not? It will become small, but will not vanish. No, it will not vanish. मैं आपको example देता हूँ। ऐसे अगर कोई female है और वो male बनना चाह रहे हैं, transgender है ना, और उनको आपने hormonal treatment पे डाल दिया, उनका chemical castration कर दिया, समझ रहे हैं बात? आपने उनको testosterone पे है, estrogen उनका बिल्कुल block हो गया, उनकी breast छोटी हो जाती है, लेकिन खत्म नहीं होती। So ऐसे ही males में जो आप बोल रहे हैं वो छोटा हो जाएगा, गायब नहीं होगा। So वो patients क्या कहेंगे कि सर साइज छोटा हो गया, लेकिन पफी निपल्स अभी भी नहीं गए, मैं टी शर्ट पहनता हूँ तभी वो थोड़ा प्रोमिनेंट लगता है, कोनिकल सा शेप रहता है। सो वो ट्रीटमेंट नहीं हुआ पूरा, कम हो गया, गायब नहीं हुआ। हाँ ठीक है, अगर आपका उतना बड़ा इशू नहीं है कि भी आपको बिल्कुल एब्सोल्युटली गायब करना है, तो एक ही ऑप्शन है सर्जरी। अगर आपका ब्रेस्ट थोड़ा सा दिखता है और आपके लिए चलता है, तो यू कैन लिव विद दैट। बिल्कुल, कॉस्मेटिक सर्जरीज देखिए कभी भी अनिवार्य नहीं है, इट इज फॉर योर ओन सेल्फ, फॉर योर ओन सेल्फ। अगर आपको लगता है कि आप इट इज इम्पैक्टिंग यू एज अ पर्सन, it is impacting you in your day to day life, it is impacting your self confidence, it is impacting the way you are sitting, you know, jisko gynecomastia aise baithe hote bahut bari content body nahi milta, then you get it done. Don't get it done for your husband, wife, girlfriend, boyfriend, friends, no, only for your own self. Acha, bodybuilders ke andar bahut common hai gynecomastia because of their drugs use, and aajkal इसका एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है, जैसे जैसे बहुत रिनाउंड बॉडी बिल्डर्स बाहर के, उन्होंने अपनी सर्जरी की, बिकॉज पहले इतना एक्सेप्टेड नहीं था कि लोग लेते भी हैं स्टेरॉइड्स। अब लोग खुल के बोलने लगे हैं कि हम ले रहे हैं, खुल के दिखाने लगे हैं कि भाई मेरी गायनेकोमास्टिया की सर्जरी हो रही है। सो पीपल आर लाइक ओके, सो एवरीबडी इज गेटिंग गायनेकोमास्टिया सर्जरी, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम एक्चुअली स्पीकिंग। सो इफ समबडी इज अ प्रोफेशनल, कोई है बॉडी बिल्डर है, तो आज नहीं तो कल उसके सामने ये बात आती है कि उसका ब्रेस्ट टिश्यू बड़ा हो गया है।
सो क्या आपके प्रैक्टिस में ऐसे गायनेकोमेस्टिया वाले बॉडी बिल्डर्स आते हैं? बहुत 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 कॉमन है। ओनली इशू इसमें ये होता है कि मैं उनको बताता हूँ कि अगर आप वापस अपनी वो मेडिसिन एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते रहेंगे तो ये दोबारा हो सकता है। अच्छा, पूरा का पूरा ब्रेस्ट टिश्यू निकालने के बाद भी फिर से हो सकता है? बिल्कुल दोबारा हो सकता है। ओके, बिल्कुल हो सकता है दोबारा। अगेन मैं आपको दोबारा वापस ले जाता हूँ एक और एग्जांपल पे, जो मेल्स हैं जो फीमेल्स बनना चाहते हैं। नो, बट अगर पूरा टिश्यू निकाल दिया है फिर भी क्या होता है? पूरा टिश्यू कभी नहीं निकालना चाहिए। निप्पल के नीचे एक हल्की सी स्लिवर ऑफ ग्लैंड छोड़ा जाता है, नहीं तो निप्पल गड्ढे में चला जाता है, क्रिएटर डिफॉर्मिटी हो जाती है। निप्पल में भी सेंसेशंस होती हैं, वो ग्लैंड नहीं निकालना होता। नॉर्मल मेल में भी तो होती है ना सेंसेशंस। करेक्ट। तो वो सेंसेशंस, टच सेंसेशन करके, इरोजनस सेंसेशन करके जो निप्पल इरेक्ट होना कम होना, ये मेल्स में भी होता है। अगर आप वो पूरा निकाल दोगे तो खत्म ही हो जाएगा। सो वो हल्की सी स्लिवर ऑफ लाइनिंग आपको बचा के रखते हैं तो वो बन तो सकती है दोबारा। सो ये पता होना उन लोगों को जरूरी है। ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी कि भी गायनेकोमेस्टिया अगर आप सर्जरी करा लेते हो फिर भी वापस हो सकता है। बिल्कुल, डिफरेंट ड्रग्स होती हैं जैसे स्पायरोनोलेक्टोन है, ऐसे और भी हॉर्मोन्स, जो भी बेसिकली ड्रग्स हॉर्मोन्स पे इफेक्ट करती हैं, वो ड्रग्स लेने से आपको दोबारा हो सकता है। मेडिकल ड्रग्स प्लस एनाबॉलिक्स दोनों का इफेक्ट है। तो गायनेकोमेस्टिया का एक बड़ा एस्पेक्ट है। अच्छा, इसमें डॉक्टर बहुत कॉमन हो गई अब तो गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी भी। इन्हें लेट मी क्लियरली से कि इवन अब जनरल सर्जन्स कर रहे हैं गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी और वो कॉस्मेटिकली उतना अच्छा नहीं करते। सो यहाँ पर लोगों को ये जानने की ज़रूरत क्या है कि भाई उसमें और एक प्लास्टिक सर्जन के करने में क्या डिफरेंस है? जनरल सर्जन्स, प्लास्टिक सर्जन्स और प्लास्टिक सर्जन में भी वो लोग जो गायनेकोमेस्टिया को रेगुलरली अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, सबका डिफरेंस है। देखिए, इवोल्यूशन ऑफ सर्जरीज होती हैं। पहले माना गया कि गायनेकोमेस्टिया भाई ग्लैंड ही तो निकालना है, तो जो जनरल सर्जन्स करते थे आज से कुछ साल पहले, अभी भी कुछ लोग करते हैं, वो एक चेस्ट पे स्किन में इंसिजन दे देते हैं, ऐसे चांद बन जाता है ना, ऐसा यहाँ पे कट दिया हुआ है, तो ग्लैंड निकाल दिया, तो ग्लैंड निकल गया, सर्जरी हो गई। लेकिन वो ये नहीं समझे कि कंप्लीट रिहैबिलिटेशन ऑफ द पेशेंट क्या है। ये जो लोग हैं जिनको गायनेकोमेस्टिया है, कई बार इतने कॉन्शियस होते हैं कि वो स्विमिंग और बीच वाले पे जाते ही नहीं है दोस्तों के साथ। अब आपने गायनेकोमेस्टिया तो कहने को ठीक कर दिया, लेकिन सामने दो चांद बना दिए, वो फिर भी नहीं जा रहा स्विमिंग बीच वाले पे, फिर फायदा क्या हुआ? तो उसके बाद एवोल्यूशन हुआ, तो अब फिर इंसिजन देने लगे लोग पेरी एरियोलर, अराउंड द एरियोला। अब अराउंड द एरियोला इंसिजन देने में भी क्या दिक्कत हमने नोटिस करी कि किसी किसी का स्कार थोड़ा सा दिखता है और वो इंसान कॉन्शियस रहता है, कॉन्शियस जैसे वो स्विमिंग पूल से निकला। अगर कोई बंदा देख रहा है तो इसको पता तो नहीं चल रहा मेरे सारा सर्जरी कराई है, इज ही नोइंग क्या ये मेरा, मतलब वो स्टिग्मा उसके दिमाग में रहा, फिर वो कंप्लीट रिहैबिलिटेशन फिर नहीं हुआ। सो फिर हमने अराउंड 7 years पहले एक टेक्निक स्टार्ट करी जिसको बोलते हैं लैटरल पोर्ट। कुछ लोग हैं दुनिया भर में करते हैं, कनाडा में भी एक डॉक्टर हैं जो करते हैं बड़े रेगुलरली। सो साइड में यहाँ पे इंसिजन देते हैं 4 millimeters का, और सारी की सारी सर्जरी उस 4 से 5 millimeter इंसिजन से होती है, सामने कोई कट ही नहीं है। सो वो जो कट है वो इतना छोटा होता है कि समय के साथ ऐसा हल्का हो जाता है कि कोई बता ही नहीं सकता कि सर्जरी हुई है, एक्ने का स्कार जैसे हो गया। मैं कहता हूँ अगर दिखता भी है तो आप बीच पे जा रहे हो, कोई बता नहीं सकता सर्जरी हुई है, क्योंकि वो हाथ के नीचे है। करेक्ट। कोई ऐसे भी अगर खड़ा है और वो निशान दिख भी रहा है, सो कोई भी इंसान को दो निशान एक साथ नहीं दिख सकते, जो यहाँ खड़ा उसको ये दिख रहा है ये नहीं दिख रहा, जो यहाँ खड़ा उसको ये दिख रहा है, सामने खड़ा उसको कुछ नहीं दिख रहा। सो जब दो स्कार एक साथ नहीं दिखते तो द स्टिग्मा कि गायनेको सर्जरी हुई है वो भी नहीं होते। सो इस तरह से ना एवोल्यूशन हुआ है। हमें ये समझना चाहिए कॉस्मेटिक सर्जन को, प्लास्टिक सर्जन को, कि कोई भी जो सर्जरी हम कर रहे हैं उसका मकसद क्या है। मकसद इज रिहैबिलिटेशन ऑफ दैट इंडिविजुअल एज मच एज पॉसिबल, ताकि वो नियर नॉर्मल की तरह रह सके। सो पहले तो था सिर्फ शर्ट में ठीक रह सके, फिर हुआ शर्ट के बाद भी ठीक रह सके, फिर ऐसे भी ठीक रह सके कि किसी को पता ना चले। तो इस तरह से ये टेक्निक इवॉल्व हुई है। और यही तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अगर पब्लिक को ये बताएं कि जनाब आपके पास में प्रूवन टेक्निक्स है, तरीके हैं, और जो सेफ है, जो सेफ है। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा आज इस सेशन में आपके, आई होप आप लोगों को भी कुछ, बल्कि बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो कोई भी अगर आपके दिमाग में सवाल आता है, बिल्कुल निश्चिंत होकर आप मुझसे या डॉक्टर साहब से पूछिए, आप नीचे कमेंट करिए, आप इंस्टाग्राम पे आइए, हमारे इंस्टाग्राम पे, डॉक्टर साहब के इंस्टाग्राम पे कमेंट करिए। थोड़ा समय लग सकता है बट रिप्लाई करने की हम कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एंड फिर मिलते हैं आपसे।